इससे पहले कि यश जी की ये रिक्वेस्ट जब तक है जां की रिलीज पर अपना असर दिखाती, इंडस्ट्री में शुरू हो गया है एक दूसरा ही खेल। एक तरफ है किंग खान पर दाव लगाने वाले और दूसरी तरफ दाव लगा है अजय देवगन पर। SRK पर दाव लगाने वाले जब तक है जां को यश जी के लिए ट्रिब्यूट बता रहे हैं, लेकिन अगर बात ट्रिब्यूट की है तो यश जी के कभी कभी वाले अंदाज में अजय भी ऑडियंस से कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अजय और शाहरुख के क्लैश का ये सवाल इतना बड़ा इसलिए बन गया है कि यश जी के सडन डिमाइज ने SRK और अजय के कंपटीशन में 50-50 के रेशियो को हिला कर रख दिया है। उस पर अब ये खबर भी आ रही है कि रिपोर्टेडली जब तक है जां को मल्टीप्लेक्सेस में 70% से ज्यादा स्क्रीन अलॉट किया जाना लगभग तय हो गया है। यानी यश जी के निधन के बाद बॉलीवुड और फिल्म ट्रेड के जानकार लगता है पहले से ही इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जब तक है जां बॉक्स ऑफिस पर सन ऑफ सरदार से बड़ा कमाल कर जाएगी। शाहरुख का और कैटरीना का और लव ट्रायंगल बहुत जबरदस्त है उसके अंदर, और ऊपर से यश चोपड़ा जी ने कहा था कि दिस इज माय लास्ट डायरेक्शन, वो क्यूरियोसिटी पहले से थी और उसमें अचानक यश जी की विदाई, ये सब फैक्टर उसको बड़ा हॉट कर दिया है। भले ही अजय को कोई उनकी फिल्म पोस्टपोन करने के लिए सीधे तौर पर ना कह रहा हो, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिपोर्टेडली SRK पर दाम लगाने वाले कई दिग्गज अजय पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी फिल्म को इस दिवाली रिलीज ना करें। इसके अलावा मीडिया में भी इस तरह की खबरों को जानबूझकर उछाला जा रहा है ताकि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन ना करने का सारा दोष अजय के सर पर आए। जिस देश में क्रिकेट और बॉलीवुड का क्रेज सबके सर चढ़कर बोलता है, वहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है क्रिकेट के बाद अब बॉलीवुड में भी शुरू हो रहा हो बैटिंग का खेल। वरना बड़े बड़े स्टार्स के बीच पहले भी कई बार दिवाली पर बॉक्स ऑफिस क्लैश होता रहा है। हर साल दो फिल्में रिलीज होती हैं और इस साल भी दो फिल्में रिलीज होंगी, लेकिन इस दिवाली बॉक्स ऑफिस से उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार को दूर रखने के लिए कोई साजिश भी हो सकती है, इसका अंदाजा शायद अजय को भी नहीं रहा होगा। पर रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स इतना इशारा तो जरूर कर रही हैं कि यश जी की सडन डिमाइस को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जब तक है जहां पर दाव लगाने वाले अजय के लिए काफी नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि अजय के पास अपनी डेट्स आगे बढ़ाने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आगे उनके ही फ्रेंड्स की फिल्म्स लाइंड अप हैं, जिनमें पहली दिवाली के दो हफ्ते बाद आने वाली आमिर खान की फिल्म तलाश है, फिर अक्षय की खिलाड़ी 786 और उसके बाद दबंग 2, जो इस साल क्रिसमस की सबसे बड़ी रिलीज मानी जा रही है। यानी अजय के पास अपनी रिलीज डेट पर बने रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर अजय को अपनी फिल्म पोस्टपोन ना करने के लिए क्यों दोषी ठहराया जाए? और फिर अजय ने अगर अपनी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा भी लिया तो फिर बिना किसी क्लैश के शाहरुख खान खुद को किंग कैसे साबित कर पाएंगे? ऑडियंसेस के लिए सबसे बड़ा मजा तो तब है जब दिवाली पर सन ऑफ सरदार भी हो और जब तक है जहां भी, तभी तो व्यूअर्स से मिल पाएगा फाइनल वर्डिक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।